दोस्तों आज मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ जिनके सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है जिसके चलते प्राकृतिक आपदाओं के साथ महामारी का खतरा बना हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा असर द्वादश राशि पर भी पड़ने जा रहा है। जी हाँ, 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में सूर्य संक्रांति के रूप में बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित होने वाली है। 17 अगस्त को सूर्य ग्रह कर्क राशि से निकलकर सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तब देश और दुनिया में परिवर्तन होता है। जल से लेकर थल तक हर जगह परिवर्तन देखने को मिलता है, किंतु इस बार आपकी राशि धनु पर इनका बहुत ही सीधा असर होने जा रहा है। दोस्तों, जो इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैंने जुलाई में सूर्य राशि परिवर्तन के वीडियो में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में मंदी की मार कम होगी, इकोनॉमिक प्लान बनेंगे, डूबी अर्थव्यवस्था में नया संचार होगा, व्यापार कारोबार वापस पटरी पर दौड़ने लगेगा। तो आप देख भी रहे हैं कि शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जुलाई में GST कलेक्शन भी बढ़ा है। दोस्तों, इस घटना का सबसे बड़ा असर धनु राशि पर इसीलिए होगा क्योंकि सौरमंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य भाव के लॉर्ड होकर खुद अपने ही घर में विराजमान है और उनकी पूर्ण दृष्टि पराक्रम के भाव में पड़ रही है, जिसके ही कारण 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच बड़े बड़े बदलाव होंगे। तो जानते हैं आने वाले समय के बारे में। धनु राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इस समय व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होंगे, नौकरी करने वाले लोगों को सफल परिणाम मिलेंगे, तो जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन भी आपके कार्य की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, सूर्य इस समय आपके नवम भवन में गोचर करने जा रहे हैं और नवम भवन आपके लिए इसीलिए मायने रखता है क्योंकि वह भाग्य का भवन, दूर शहर राज्य या फिर विदेश से जुड़ा हुआ भवन है, स्वप्न साकार करने का भवन है, यात्रा से लाभ प्राप्त करने का भवन है, जिसके कारण इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा क्योंकि इस दौरान आर्थिक लाभ के महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। यदि आप पुरानी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह स्थित होकर सेवा कर रहे हैं, तो इस समय आपको इससे भी अच्छी नौकरी का ऑफर प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी कंपनी बड़े पैकेज के साथ आपको ऑफर दे सकती है, तो इस दौरान भाग्य के कारण इस समय धन में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जी हाँ, आप जिस क्षेत्र से धन प्राप्त कर रहे थे वहां से धन मिलेगा, किंतु इसके अलावा भी किसी अन्य जगह से भी धन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, धनु राशि वालों, इस समय आपकी अटकी हुई कोई योजना भी पूर्ण हो सकती है। सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं आत्मा का कारक माना जाता है, बाहर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, जिसके चलते धनु राशि के वह जातक जो व्यापार में नुकसान उठा रहे थे उन्हें मुनाफा होगा। जिनकी शिक्षा में कठिनाई आ रही थी वह कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। विदेश जाने में अड़चन आ रही थी तो वह अड़चन दूर होगी। कठिन परिश्रम का फल नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा। जीवन साथी या प्रेम से उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था तो अब मिलेगा। यहाँ तक इस समय निवेश से किए गए धन से लाभ होगा, तो उधार दिए गए पैसे भी वापस मिलेंगे। खासकर जो गलत फैसले लेने के कारण खराब आर्थिक दौर से गुजर रहे थे, तो यकीन मानिए अब यह स्थिति बदलने वाली है। विशेष रूप से वह जातक जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु अभी तक अवसर नहीं मिला है, तो अब अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ, इस वर्तमान समय में शासन प्रशासन से जुड़े हुए पद पर स्थित होने के प्रबल योग बन रहे हैं, तो वही राजकारण सत्ता में आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो जॉब इंटरव्यू के परिणाम भी आपके पक्ष में रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान होकर योगी तपस्वी धैर्य से लाभ तो दिलाता है, किंतु वह व्यापार व्यवसाय उद्यम से अप्रत्याशित रूप से भी लाभ प्रदान करता है। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, तो इस समय आपको अपनी क्षमताओं का, अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। पार्टनरशिप के रूप में भी किसी की सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ धन से जुड़े हुए मुद्दे भी हल हो जाएंगे, तो व्यापार में प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के चलते धन से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त होगा। जहां पुराने संपर्कों के कारण लाभ प्राप्त होगा, तो कुछ नए संपर्कों को जोड़ पाएंगे, नए अनुबंध बनाएंगे, यहां तक छोटे या बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके पक्ष में रहेंगे। धनु राशि वालों, ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे दुर्योग होते हैं जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। तो वही 17 अक्टूबर के बाद किसी गुप्त जरिए से भी धन मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश कर दिया है तो वहां से लाभ प्राप्त होगा, तो खुद का मकान खरीदने का भी सपना पूरा होगा। पिछले काफी समय से आप जिस मकान, जिस जमीन, प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो वह अब बिकने वाली है। खास तौर पर वह जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है और अभी तक दाल गली नहीं है,
तब आपको कामयाबी हासिल होगी। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन से लेकर विवाहित जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा तो संतान के भी योग बनेंगे। यदि पति पत्नी के बीच में मानसिक अशांति चल रही थी तो यह समय में दूर हो जाएगी। तो वही जो जातक अपने प्रेम जीवन के लिए बेकरार है, यानी कि प्रेम प्राप्ति के लिए अवसरों की तलाश में है, तो यकीनन किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है। इस वक्त जातक प्रेम को पूर्णता की ओर भी ले जाएंगे। शादी विवाह के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ ये गोचर के चलते सेहत के प्रति सावधानी, अपने हित शत्रुओं से सावधानी रखने की सलाह देते है। तो आकस्मिक दुर्घटना, अपनों के कारण क्लेश भी हो सकता है, आपका क्रोध भी बढ़ सकता है, इसलिए इस अवधि में संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।